subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा पर। मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज टू द पॉइंट में फिश और बर्ड से रिलेटेड सवालों के साथ, कि हमारे एग्जाम में फिश और बर्ड से दोस्तों काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी प्रश्न अभी तक आपके फिश और बर्ड से रिलेटेड पूछे गए हैं, उन सभी फैक्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज। तो जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाए, वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आज इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी वन लाइनर फैक्ट हैं, उन सभी की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाए, फिर हम लोग देखते हैं इनसे रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है फिश एंड बर्ड, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है फिश एंड बर्ड, तो देखेंगे कि फिश से रिलेटेड कौन कौन से सवाल हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और बर्ड से रिलेटेड कौन कौन से सवाल हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या कोई भी वन डे एग्जाम जो कि आप देते हैं, वहां से यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग दोस्तों, कि मछली जो फिश है, फिश के स्टडी को क्या कहा जाता है। ये कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे जो फिश की स्टडी होती है, फिश की स्टडी को बोला जाता है इक्थायोलॉजी। ये लगभग 4 से 5 बार अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। अभी हाल के एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, रेलवे में पूछा गया था, और भी कई वनडे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि फिश की स्टडी को क्या बोलते हैं। तो याद रखेंगे फिश की स्टडी को एक इक्थायोलॉजी कहा जाता है। हम लोग दोस्तों चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि जो सबसे लार्जेस्ट मैमल है, सबसे बड़ा जो स्तनपाई है, वो कौन सा है? ब्लू व्हेल। क्या है वो? ब्लू व्हेल। और इस ब्लू व्हेल के हर्ट में याद रखेंगे, ये दोनों ही प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉर्मली जो फिश होते हैं, नॉर्मली मछलियों के हर्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं ह्यूमन यानी मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य के हार्ट में कितने? 4 चैम्बर होते हैं। और आप लोगों को पता है कि कॉकरोच जो होते हैं, कॉकरोच या जिसे हम लोग तिलचट्टा बोलते हैं, इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं। और कॉकरोच के ब्लड में आरबीसी भी नहीं होता। याद रखेंगे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनपाई या सबसे बड़ा स्तनधारी है, और इसके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। लेकिन जो सामान्यतः फिश होती है उसके हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं। इसके बाद की अगर बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लू व्हेल है एक जहाज से भी बड़ा होता है। कई बार ब्लू व्हेल जो होता है दोस्तों एक शिप से भी ज़्यादा बड़ा होता है, क्लियर है ना। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे एक चीज कि जो हमारे देश का एक्वेटिक एनिमल है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, हमारे देश का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, वो क्या होता है दोस्तों? वो है डॉल्फिन। क्या है वो? डॉल्फिन। इसके बारे में भी आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले पॉइंट के ऊपर। तो अगला पॉइंट देखते हैं यहां से जो पूछा गया है, शार्क एंड रे बिलोंग्स टू कार्टिलेजिनियस फिश, यानी कि ये जो सार्क और रे है, ये हमारा सार्क फिश है, और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है? रे फिश है। ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं? ये दोनों कार्टिलेजिनियस फिश से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? कार्टिलेजिनियस फिश से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा कार्टिलेजिनियस फिश में बिलोंग करता है, कौन सा कार्टिलेजिनियस फिश है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे हम लोग अगले पॉइंट की। तो जो अगला पॉइंट है हमारे, इससे यहां से जो प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे कई बार पूछा जाता है कि ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, या फिश प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, और ये जो मतलब ये एक्चुअली जो है ना फिश प्रोडक्शन, जो मछली उत्पादन है, उसे क्या कहा जाता है? ब्लू रिवॉल्यूशन। मछली के उत्पादन को मतलब जो मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा रिवॉल्यूशन आया था? ब्लू रिवॉल्यूशन आया था, ये चीज याद रखेंगे। और इसी तरह मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था, टोमेटो के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रेड रिवॉल्यूशन आया था, है ना। इसी तरह पोटैटो के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राउंड रिवॉल्यूशन आया था। इसी तरह अलग अलग रिवॉल्यूशन आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे, ये एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है।
ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट याद रखेंगे, फिश प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, पीसी कल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिश प्रोडक्शन को, यानी जो मछली का पालन होता है या मछली का जो उत्पादन होता है, मछली के पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों? पीसी कल्चर, है ना। क्या बोला जाता है? पीसी कल्चर। क्यों? क्योंकि मछली जो है वो किस उससे बिलोंग करता है, तो वो पाइसम उससे बिलोंग करता है। मछली किससे बिलोंग करता है? पाइसम कैटेगरी से बिलोंग करता है। और लगभग हमारे इसमें याद रखेंगे, हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में लगभग 28,000 टाइप के क्या मिलते हैं, 28,000 टाइप के फिश पाई जाती है हमारे नेचर में। क्लियर है पॉइंट? तो हम लोग चलते हैं इसके आगे फैक्ट की, अगले फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। कई बार यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा एक ट्रू फिश नहीं है, यानी कि कौन सा एक वाकई में मछली नहीं है। याद रखेंगे सिल्वर फिश जो होते हैं, सिल्वर फिश जो होता है, ये देखिए एक सिल्वर फिश का ये चित्र है। ये सिल्वर फिश जो ये एक्चुअली में फिश नहीं होता। जैसे हम लोग जानते हैं ना, जर्मन सिल्वर जो है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। हम लोगों ने पढ़ा है जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, कॉपर, निकल और क्या होता है, जिंक होता है। ये अभी एसएससी जेई में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है इसी तरह की, किसमें, कौन से फिश में फिश नहीं होता। याद रखेंगे दोस्तों सिल्वर फिश में फिश नहीं होता। तो ये सिल्वर फिश है क्या? तो ये सिल्वर फिश याद रखेंगे एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है, ठीक है, एक कीट है। और कीट की स्टडी को दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीट की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग? एंटोमोलॉजी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब इसके बाद अगले फैक्ट की चर्चा करते हैं जहां से प्रश्न पूछा जाता है। याद रखेंगे कई बार पूछा जाता है कॉड किसकी एक वेराइटी है। ये कॉड कई बार पूछा गया है कि कॉड जो है किसकी एक प्रजाति है। याद रखेंगे दोस्तों कॉड जो है किसकी एक प्रजाति है, तो कॉड एक फिश की, यानी मछली की एक प्रजाति है। और इस कॉड फिश में याद रखेंगे विटामिन ए काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। इस कॉड फिश में क्या होता है? विटामिन ए काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि फिश ऑयल में क्या क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखेंगे फिश ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये फिश ऑयल है और फिश ऑयल के कैप्सूल्स भी आते हैं, है ना, जिसमें कि विटामिन ए और विटामिन डी काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। जब दोस्तों हम लोग विटामिन ए की बात करते हैं तो आपको पता है इसका केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। कौन सी बीमारी होती है इससे? नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। और विटामिन ए का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है दोस्तों वो क्या है? कैरेट यानी गाजर है, ठीक है। तो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए साथ साथ, और जो नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। और कैरेट का हमारा प्रश्न है आप लोगों से कि कैरेट का जो नारंगी रंग होता है, कैरेट का जो नारंगी रंग होता है वो किसके कारण होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। जब हम लोग दोस्तों विटामिन डी की बात करते हैं ना, तो विटामिन डी के बारे में याद रखेंगे, विटामिन डी का यूज हार्मोन की तरह किया जा सकता है ना। कई बार पूछा जाता है कि विटामिन डी किस विटामिन का यूज हार्मोन की तरह कर सकते हैं। याद रखेंगे विटामिन डी का यूज किसकी तरह कर सकते हैं? एज ए हार्मोन। और विटामिन डी का केमिकल नेम दोस्तों क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को ही दोस्तों याद रखेंगे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है, एक बीमारी होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से दो डिजीज होती है, एक को जिसे हम लोग बोलते हैं रिकेट्स और दूसरा होता है दोस्तों जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया। क्या बोलते हैं जिसे हम लोग? ऑस्टोमलेशिया। ये दो बीमारी होती है किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से, ठीक है। तो फिश ऑयल जो है, फिश ऑयल किसका? विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में होता है इसमें, और विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में होता है। क्लियर है यहां तक? तो हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, फिश जो होता है ना, फिश के अंदर कैसा ब्लड होता है? फिश के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली यहां पर देख रहे हैं, ये फिश का वेंट्रिकल है, एक ही वेंट्रिकल है, एक ऑरिकल है। फिश के हार्ट में दो ही चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल होता है और एक क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। यहां पर देखिए, ये जो है ये आर्ट्रियम है और ये क्या है दोस्तों? ये वेंट्रिकल है, यानी कि जिसे हम लोग आलिंद और हिंदी में क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। ऑरिकल को हिंदी में आलिंद और वेंट्रिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। तो यहां पर ये देखिए जो मछली है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो मछली है यहां से देखिए,
यहाँ से इधर से ब्लड आ रहा है पूरे शरीर से होते हुए फिर इधर से प्रवेश कर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर इनका जो ब्लड होता है ना पूरे शरीर में, इसलिए इम्प्योर ब्लड ही इनमें फ्लो होता है, क्योंकि इनके हर्ट के बीच में जो इनका हर्ट होता है, इनके हर्ट के बीच में कोई सेप्टम नहीं होता जो कि प्योर और इम्प्योर ब्लड को डिवाइड करे। क्लियर है पॉइंट? तो इनके हर्ट में एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होते हैं, याद रखेंगे। लेकिन याद रखना है यहाँ पर याद रखेंगे जो ब्लू वेल होता है वो भी एक फिश है, लेकिन उसके हर्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, इसके बाद के अगले फैक्ट की हम लोग चर्चा करते हैं। जो अगला फैक्ट है हमारा, फिश रेस्पायर्स बाय गिल्स। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि फिश सांस किससे लेते हैं, तो याद रखेंगे जो फिश होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? गलफड़ों से सांस लेते हैं। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फिश किससे सांस लेते हैं, तो याद रखेंगे फिश किससे, ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये गिल्स होता है और यहीं से फिश क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और जबकि याद रखेंगे फ्रॉग जो होते हैं, फ्रॉग किससे लेते हैं दोस्तों? मेंढक जो होता है वो किससे सांस लेता है? वो स्किन से सांस लेता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और फ्रॉग का दोस्तों साइंटिफिक नाम क्या है? राना टाइग्रिशा। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों हम लोग, अगले फैक्ट की चर्चा करते हैं। तो याद रखेंगे कई बार पूछा जाता है कि ब्लू रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कौन है? तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन, इनको नीली क्रांति का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। इन्हें ब्लू रिवॉल्यूशन का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। और इंडियन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों, ये भी याद रखेंगे कि भारतीय मछली अनुसंधान संस्थान इंडियन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? ये हमारा हैदराबाद में स्थित है। ये याद रखेंगे, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? दिस इज इन हैदराबाद। आप इसके बारे में भी याद रखेंगे, यहां से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन, ये दोनों ही क्या है? फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति का पिता कहा जाता है भारत के अंदर। ठीक है, तो अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं हम लोग। अब बर्ड पे आते हैं। तो बर्ड की जब चर्चा करते हैं दोस्तों, तो जो बर्ड की स्टडी होती है, बर्ड की स्टडी को क्या कहा जाता है? बर्ड की स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, है ना? क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद की अगर बात करें, तो याद रखेंगे बर्ड के हर्ट में, जो बर्ड का हर्ट होता है ना, उसके हर्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? याद रखेंगे बर्ड के हर्ट में 4 चैम्बर होते हैं, क्योंकि बर्ड जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? वो एव्स से बिलोंग करते हैं, एव्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसलिए बर्ड को क्या होता है? बर्ड का जो साइंटिफिक नेम भी है दोस्तों, वो एव्स ही है। अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि बर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है, तो बर्ड का साइंटिफिक नेम भी यानी वैज्ञानिक नाम भी क्या है? एव्स है। और वैज्ञानिक नाम दिया किसने था? तो वैज्ञानिक नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो दिया था किसने? कार्लस लिनियस ने। इसलिए इनको फादर ऑफ नोमेनक्लेचर या नाम पद्धति का पिता भी कहते हैं। ठीक है ना? किनको? कार्लस लिनियस को। ठीक है, और इन्हें वार्गिकी या टैक्सोनॉमी का भी पिता कहा जाता है। किसे? कार्लस लिनियस को। ये भी चीज आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं इसके बाद अगले फैक्ट के ऊपर। अगला फैक्ट याद रखेंगे, जो बर्ड का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, बर्ड का जो रेस्पिरेटरी यानी श्वसन अंग होता है, वो क्या होता है? फेफड़ा। कई बार बच्चे गलती करते हैं ट्रैकिया वगैरह से, तो लेकिन नहीं, बर्ड्स भी किससे सांस लेते हैं? वो भी फेफड़े से ही सांस लेते हैं। इस चीज को भी याद रखेंगे। यहां से भी कई बार ये देख रहे हैं बर्ड्स के अंदर, ये देख रहे हैं उनके अंदर भी फेफड़ा होता है। क्लियर है पॉइंट? और ट्रैकिया जो होता है, इनका भी क्या होता है? ट्रैकिया, इनका भी विंड पाइप होता है। जैसे हमारे शरीर में होता है ना ट्रैकिया, विंड पाइप, श्वसन नली, उसी तरह बर्ड के अंदर भी ट्रैकिया होता है। इसी से एयर यहाँ लंग्स में जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग चलते हैं अब अगले फैक्ट के ऊपर। अगला फैक्ट देखते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ बर्ड इज सैरिंक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे हमारे मनुष्य का साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या है दोस्तों? लैरिंक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्यंत्र कहते हैं। और हमारे जो लैरिंक्स होता है उसमें कितने वोकल कॉर्ड होते हैं? 2 वोकल कॉर्ड होते हैं, जहां से कि क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी तरह याद रखेंगे पक्षियों का जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है ना, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सैरिंक्स कहते हैं। हाँ, सैरिंक्स, जो कि पक्षियों के अंदर क्या करता है? साउंड को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? तो हम लोग चलते हैं अब इसके बाद अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट हमारा दोस्तों, याद रखेंगे जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, वो है लार्जेस्ट बर्ड इन वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच, एंड ऑस्ट्रिच
एग इज लार्जेस्ट सेल, यानी कि जो सबसे बड़ा पक्षी है दुनिया का वो कौन सा है? ऑस्ट्रिच है, और ऑस्ट्रिच एग जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। ऑस्ट्रिच एग जो है वो कौन सी है? वो सबसे बड़ी कोशिका है, ये भी आप याद रखेंगे। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो ये एक ऑस्ट्रिच का चित्र है, और देखिए यहाँ पर जो आदमी मतलब जो बैठी हुई है ये देखिए ऑस्ट्रिच से कितनी छोटी लग रही है, मतलब कि ऑस्ट्रिच काफी बड़ा होता है। और इसका जो एग होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे वो कितना, एक एग का जो इसका वजन होता है वो 1250 ग्राम होता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग का जो एक एग का वजन होता है 1250, और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, जबकि सबसे छोटी कोशिका जो होती है दोस्तों वो होती है माइकोप्लाज्मा। और सेल की जो स्टडी होती है उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। जब आपसे ये पूछा जाए कि हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य के शरीर में, तो होता है अंडाणु या ओवम, और मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है दोस्तों वो होती है, याद रखेंगे, शुक्राणु, जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं। और जो सेल होता है, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन जीवित सेल की खोज एंटोनी वॉन लियोवेनहॉक ने करी थी, ये भी याद रखेंगे, क्लियर है। और सबसे जो लंबी कोशिका होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, वो होता है नर्व सेल, या जिसे न्यूरॉन कहा जाता है, या जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और तंत्रिका कोशिका की लंबाई दोस्तों 90 सेंटीमीटर होती है, इस चीज को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। स्मॉलेस्ट बर्ड इन वर्ल्ड इज हमिंग बर्ड, यानी जो विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो स्मॉलेस्ट बर्ड है पूरे मतलब विश्व में वो कौन सा बर्ड है? हमिंग बर्ड। ये देख रहे हैं, ये इतना छोटा होता है कि हमारे हाथ में, देख रहे हैं कितना छोटा, इस आकृति का इतना छोटा ये हमिंग बर्ड होता है, ठीक है ना। तो हमिंग बर्ड जो है ये वर्ल्ड का सबसे छोटा पक्षी है। और एक पक्षी याद रखेंगे होता है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो पक्षी जो होता है ना, ये फ्लेमिंगो पक्षी के नाम पे आंध्र प्रदेश में एक फेस्टिवल मनाते हैं, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, है ना। ये फ्लेमिंगो पक्षी जो है ये आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और ये फ्लेमिंगो जो पक्षी है ये वहाँ पर पुलिकट लेक के पास, आंध्र प्रदेश के अंदर एक झील है पुलिकट झील, वहाँ पर ये प्रवास के लिए आता है, और उसी के आने की खुशी में एक फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा? तो याद रखेंगे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल। और यहीं से याद रखेंगे दोस्तों, जो बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बर्ड से याद रखना है, बर्डमैन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है वो किसे कहते हैं? सलीम अली को। किसे कहा जाता है? सलीम अली को। और यहीं से याद रखेंगे कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पर है? सलीम अली पक्षी अभयारण्य या बर्ड सेंचुरी, ये याद रखेंगे दोस्तों। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? दैट इज इन गोवा, कई बार पूछा जाता है। जबकि सलीम अली नेशनल पार्क, ये कहां पर है? सलीम अली नेशनल पार्क, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पर है? ये है गोवा में। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को ही कहा जाता है, क्लियर है। तो ये फिश और बर्ड से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जिसको जानना आपके लिए जरूरी था, है ना, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे दोस्तों, तो ऐसे कई सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये सीरीज अच्छा लग रहा है टू द पॉइंट, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि अगला सीरीज किसके ऊपर। आप लोग अपना सजेशन भी देते रहे कि सर इस टॉपिक पर करना है, तो मैं वो टॉपिक धीरे धीरे, मैं सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, बाकी हम लोग मिलते हैं टू द पॉइंट के अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और उससे रिलेटेड वन लाइनर फैक्ट, जिसके साथ जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जहां से, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।